आज हम बनाएंगे गुआकामोली, जो कि चिप्स, नैचोस, टोस्ट, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करने से खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ख़ासतौर पर बच्चे इसे देख के खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। एक एवोकाडो लेंगे, बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। इसे कट कर लें, इस तरह हाफ में कट करें। सीड को रिमूव करें, बीज को हटा के अब इसे स्कूप करेंगे। ये बड़ी आसानी से निकल आता है। अब इसे एक फोक की सहायता से या फिर मैसर की सहायता से अच्छे से मैश कर ले। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब एक इसमें मीडियम साइज़ का प्याज को छिलके बारीक काट लिए, एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट लिया और थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक काट लिया है। इन सबको इसमें डाल के मिक्स करेंगे। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें, एक चौथाई चम्मच गोलमिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करें। ये हमारा गुआकामोली रेडी है। इसे आप चिप्स के साथ, नैचोस के साथ या फिर टोस्ट के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। टोस्ट के साथ इसे कैसे सर्व करना है ये आपको दिखाते हैं। एक ब्रेड को इस तरह टोस्ट कर लें। ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन, प्लेन, इस पर स्प्रेड करें। यह हमारा गुआकामोली टोस्ट या फिर एवोकाडो टोस्ट रेडी है। ये हमारा गुआकामोली चिप्स और टोस्ट के साथ सर्व करने के लिए रेडी है।